इस वक्त मैं मौजूद हूँ चाकुलिया विधानसभा के शाहपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत हडगछी उत्तर बसंतपुर में, और हमारे साथ चाकुलिया विधानसभा के MLA मिनहाजुल आफिन आज़ाद साहब मौजूद है। सीधे तौर पर कुछ मुख्तसर सवाल के जवाब लेकर, क्योंकि वक्त काफ़ी देर हो चुकी है इस प्रोग्राम को चलते हुए, तो सीधे तौर पर हमारे साथ चाकुलिया विधानसभा के सर सुरक्षा कवच इस प्रोग्राम के तहत हमने देखा है कि चाकुलिया विधानसभा में पिछले कई बार इस प्रोग्राम का आयोजन हो चुका है और आज शाहपुर ग्राम पंचायत में, तो सर कैसा मतलब सरा मिल रहा आपको इस प्रोग्राम के? बहुत अच्छा लग रहा है और पब्लिक भी बहुत खुश है। हम लोग का प्रोग्राम है दीदी सुरक्षा कवच, इस प्रोग्राम के तहत हम लोग को जाके घर घर पूछना पड़ता है, जो आप पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ममता बनर्जी का जो गवर्नमेंट है, ये माननीय मुख्यमंत्री का है, उनका जो स्कीम्स है वो आप पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। ऐसा एक सरकार है, ऐसा एक मुख्यमंत्री है जो उसका MLA हो, उसका कार्यकर्ता हो, उसका जिला परिषद हो या अंचल सभापति हो, कोई भी हो, यानी कि TMC का जितना भी हमारा कर्मी है, सबको मैदान उतार दिए हैं। जो घर घर जाके पूछना होगा जो स्कीम जो गवर्नमेंट है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है तो उसको काम करवा देना है, यही काम हम लोग करना है। बिल्कुल बड़ा वैसे तो शाहिद साहब समझाई दिए हैं इस बात को कि दीदी सुरक्षा कवच इसका मतलब कार्य अच्छे से समझे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा अगर और हम लोग घर घर जाकर इसके पास सात सौ सात हजार नहीं है, अगर नहीं है तो उनका सात सौ दर्ज नहीं होगा। इसके बाद हम लोग जाने के बाद हम लोग आज इसके बाद हम लोग का मतलब दीदी का दूत आएंगे हर घर में जाके हम लोग सवाल करेंगे, जो आप क्या क्या स्थिति में क्या क्या पा रहे हैं, स्थिति में आप क्या इसको पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं, पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं पा रहे उसका हाथ संग संग वहीं पर ऐप्स है वो ऐप्स डाउनलोड हो जाए जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीधे तौर पर इस वक्त आप लोग देख रहे थे WNews हेडलाइंस का कार्यक्रम, जिसमें हम लोग आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे किस तरीके से जो है दीदी सुरक्षा कवच का प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है और शाहपुर टू में आज इस प्रोग्राम का आयोजन हो रहा है। तो WNews हेडलाइंस से मैं लाल मोहम्मद। আজকে আমাদের যারা দিদি সুরক্ষা কমিটির সামিল হয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে